जब हम रामायण और महाभारत पर आधारित किताबें या चलचित्र देखते हैं तो हमें उसमें योद्धाओं के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र दिखते हैं जो किसी महापरमाणु से कम नहीं होते। उन्हीं में से एक अस्त्र था अर्जुन का गांडीव। कहते हैं कि अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत थी कि वह पूरी पृथ्वी को एक ही बाण से चलाकर राख कर देने की शक्ति रखता था। तो आइए जानते हैं अर्जुन के इस महाविनाशकारी शस्त्र गांडीव से जुड़े रहस्यों के बारे में। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। पांडवों में वह तीसरे नंबर के भाई थे। उनके पास एक दिव्य धनुष था जिसका नाम गांडीव था। यह धनुष अर्जुन को किसने दिया इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक कथा को बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना तट पर बैठे थे। उसी समय वहां ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव आए और उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं खांडव वन को भस्म करना चाहता हूं, लेकिन इस वन में देवराज इंद्र का मित्र तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता है, इसलिए इंद्र मुझे खांडव वन नहीं जलाने देते। तब अर्जुन ने उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र की मांग की। अग्निदेव ने अर्जुन को एक अक्षय तरकश गांडीव धनुष और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से सुसज्जित एक रथ प्रदान किया। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र भी दिया। अग्निदेव जब खांडव वन जलाने लगे तो देवराज इंद्र वहां आ गए और मूसलाधार बारिश करने लगे, लेकिन अर्जुन ने अपने शस्त्रों से बारिश को बीच में ही रोक दिया। यह देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अर्जुन से युद्ध करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि अर्जुन और श्री कृष्ण साक्षात नर और नारायण के अवतार हैं, आप इनसे नहीं जीत सकते। यह सुनकर इंद्र ने अपनी बारिश को वहीं रोक लिया और युद्ध समाप्त करके देवलोक चले गए। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट ज्ञान स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ज्ञान स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।